लेकिन अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया कि मेरे पैगंबर को कोई नुकसान ना पहुंचे, वो गाली नहीं गाली है। रवायात में आया कि सांप उसके अंदर रहता था, अल्लाह ताला ने हिफाजत फरमाई। तो उन्होंने फरमाया हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ला तस्रीब अलैकुम यौम, आज हम पर कोई इल्जाम नहीं। वो ठीक है, वो शैतान ने मुझे बरगला दिया था, तो आज कोई आपका इल्जाम नहीं, मैं उसके बारे में कोई बात ही नहीं करूँ, बस उसको भूल जाऊँगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मक्का वालों को कहा वही बात जो जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों से की थी, आप हमारे भाई हैं भाई, आप हिदायत से दूर हैं, बट ला तस्रीब अलैकुम यौम, आज हम पर कोई इल्जाम नहीं। तिलका जाओ, तुम आजाद हो, आजाद आप जाइए, आप आजाद हैं, अभी कोई नहीं पूछेगा। वो फिर वहां से गए, उनके कदम उधर ही होते, उनको किधर हम जाएंगे, आपने हमें आजादी कर दी। तो उस राइटर ने लिखा है कि उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहते ना कि मुझे सजदा करो, तो आप जाके वो सजदे में भी गिर जाते। वो तो इस हद का गुलाम बन चुके थे कि यार ना एहसान था, सोच ही नहीं सकते थे कि हमने उनके कितने कत्ल किए होंगे, कितनी जंगें की, इनकी जायदादें हमारे कब्जे में, इनके मकान हाथ हमारे पास, इनका कारोबार हमारा तबाह कर रहे। आप कह रहे थे जाओ, हम पूछेंगे नहीं आपसे, वो सजदे में गिर जाते हैं। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लम अपना सजदा करवाने को आए नहीं थे, आपको बताने आए थे कि सब ने किसका सजदा करना है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात का सजदा करना, किसी बंदे का सजदा नहीं करना। बंदों की इबादत से निकाल के उनको अल्लाह की इबादत में लाया जाए। और जब सहाबा कराम के ज़माने में मुसलमानों का लश्कर सैयद अबू बकर सिद्दीक के ज़माने में जब इराक की सरजमीन में गया और ईरान के इलाके में फतह किया, तो ईरान का जो कमांडर था रुस्तम, उसने मुसलमानों के वफद को बुलवा भेजा कि भाई आओ। उसने देखा मुसलमानों को कि इनके पाँव में खजूर की टहनियों के और खजूर के पत्तों के जूते थे, चमड़े का जूता भी नहीं था उनके पाँव में, कपड़े भी फटे पुराने थे, और जो तलवार थी उसके ऊपर कपड़े के चीथड़े लपेटे थे, उसकी म्यान भी नहीं थी। उसने देखा कि ये लोग लड़ने आए हमारे साथ, जबकि वहां पर उनकी जब फौज चलती थी तो हजारा लोग चलते थे साथ, जो उनके लिए खाना बनाते थे वहां पर, और इनके पास तो खाना बनाने का इंतजाम ही नहीं थे, तो खजूरें रखने थी पानी, और सारा दिन में एक या दो खजूरें खा के पानी पी लेते थे कि यार सहरा में आके जाना, पता नहीं खाना मिले कभी नहीं मिले, सबर और मुशक्कत के साथ वो सफर करते थे। तो उसने देखा उनकी सेहतें देखी, उनके चेहरे देखे कि भूख से नढ़ाल हैं, फ्लू को लाल नजर आ गया, लिबास फटे हुए हैं, तलवारों पे कपड़े लपेटे हुए, पाँव में जूता भी नहीं। तो उन्हें पूछा कि आप किस लिए आए हैं भाई, आप चाहें तो मैं, उसने कहा कि यार लड़ने का फायदा कोई नहीं, उसने कहा आप चाहें तो मैं कोई थोड़ी माली मदद आपने कर देता, कितने बंदे हो आप, कितना लश्कर है बताओ, मैं हर सिपाही के हिसाब से आपको पैसे दे देता हूँ, बजाय कि हम इधर लड़े अपने वक्त जाया करें, पैसे लेने चले। उसे उनकी गुर्बत पर तरस आया कि बताओ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। उन्हें कभी पैसे लेने के लिए नहीं, पैसों की कभी जरूरत नहीं। उन्होंने कहा फिर किस लिए आए हुए, उन्होंने कहा भाई हम बंदों को बंदों की इबादत में से निकाल के खुदा की इबादत में लाना चाहते हैं, ये जो तुम खुदा बने बैठे हो ना, तो ये हम, ये तुम्हारा बादशाह जो खुदा बना बैठा है जिसको तुम सजदे करते हो, इसका सजदा हमें खत्म कराना है, हम इसलिए आए हैं इन सब खुदा को सजदा करें, और अगर तुम भी ये काम कर गुजरो, तुम कहो कि मैं भी अल्लाह को ही सजदा करता हूँ, हम तुम्हारे साथ हाथ मिलाएंगे, हुकूमत तेरे हवाले करेंगे, वापस चले जाएंगे, हम ही किसी लड़ लिया, ये जो तुमने लोगों को अपनी अपना बंदा बना लिया हुआ है, अपना गुलाम बनाया हुआ है, वो तुम्हें सजदा करते हैं, जो तुम कहो करते हैं, हम ये निकालना चाहते हैं कि हम उनको अल्लाह के अल्लाह का बंदा बनाना चाहते हैं, अल्लाह से डरे, अल्लाह को हुक्म माने, और अगर तुम मान लो कि वाकई बात दुरुस्त है, हम अल्लाह को ही मान, तुम ही अल्लाह को मान लो, हम नहीं लड़ेंगे, तुम हमारे भाई हो, हम ये सल्तनत तुम्हारे हवाले करके वापस चले जाएंगे जहां से आए हैं। बड़ा हैरान हुआ, अच्छा इस बात को कहा, इस बात अगर उसने कहा अगर मैं ना मानू, मैं नहीं मानता जनाब ये बात, उसने कहा नहीं मानते तो फिर लड़ाई करने तैयार हो जाए, हम तो लड़ने आए हैं। उस पर फिर लड़ाई का ऐलान हुआ, उसी जान में रुस्तम मारा गया और उनको बहुत बड़ी शिकस्त हो गई, उनका माना हुआ पहलवान था, उन्हें बता दिया भाई हम लड़ने, और जब
शिकस्त हो गई, तो क्योंकि जंग शुरू हुई तो उससे पहले उनके खाने का टाइम हो गया था, तो जंग के पीछे मैदान है, जंग के पीछे उनका बहुत दस्तरखान था जहाँ हजारों लोग बैठ के खाना, वहाँ वो हुकूमत तो नहीं पता था खाना, वो खाना लगा रहे थे, यहाँ जंग हुई और शिकस्त हो गई। शिकस्त के बाद मुसलमान जब उनके उस इलाके में पहुंचे जहाँ खाना लगा हुआ था, तो वहाँ खाना भी पड़ा था, वहाँ चपाती भी पड़ी थी, छने हुए मैदे के आटे की वो बारीक चपाती खाते थे। साहबा इकराम ने उठाया, उनको समझ नहीं आई कि क्या चीज़ है, वो उठा के अपने अमीर के पास ले जाते, ये क्या चीज़ है, ये वहाँ बड़ी तादाद में बनी पड़ी थी। तो ईरानी जो साथ इनके जो उस इलाके के लोग मुसलमान हुए, उन्होंने बताया कि ये वो रोटी है जो उठाया करते थे, यानी साहबा इकराम को उस, क्योंकि साहबा इकराम तो सादा तो जिंदगी थी, कभी आटा मिल गया तो जाओ कि वो मोटी रोटी रोटी बना ली और तीन चार लोगों ने मिल के खा ली, लेकिन ये इंतजाम तो नहीं था कि बारीक रोटियां, बारीक छनी हुई रोटी तो कभी खाई नहीं थी उन्हें, कहा नहीं हम तो उन्हें, आप देखें वो किस हद तक सादा थे, लेकिन अल्लाह ने उनको आगे दुनिया की सबसे बड़ी सल्तनत को ढेर कर दिया, क्यों, वो अल्लाह और उसके रसूल को हुक्म को मानने वाले थे, इसलिए अल्लाह तारा ने ना उनकी टूटी हुई तलवारें देखी ना उनकी बीते देख के अल्लाह ने उन्हें फतह अता कर दी कि भाई तुम्हें फतह आ, यही वो चीज़ है जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम बता रहे हैं। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह का तारफ करा रहे हैं और अल्लाह का तारफ करा के क्या कहते हैं, वह इज़ा मरिज़्तु, जब मैं बीमार होता हूँ, फ़हुवा यशफ़ी, वो मुझे सेहत देता है। पहली बात, ये नहीं कहा कि अल्लाह ही बीमार करता है और अल्लाह सेहत देता ना, क्योंकि ये अल्लाह की शान के खिलाफ, ये अल्लाह की बेअदबी है कि अल्लाह को अल्लाह ने बीमार किया, कहते जी मैं खुद बीमार होता हूँ, मुझसे खुद को गलती हो जाती है, बीमार हो जाता हूँ, कई दफ़ा वो हम गलत सलत चीज़ खा लेते हैं, गलत टाइम पर तबीयत खराब हो जाती है, होते अल्लाह की मर्जी है, लेकिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मुनासिब नहीं समझा, कोई पैगंबर को ऐसी बात नहीं कहता जो अल्लाह के अदब के खिलाफ था कि अल्लाह ने बीमार कर दिया था ना, जब मैं बीमार होता हूँ फ़हुवा यशफ़ी, वो मुझे शिफा देता है। तो पहला हमारा ईमान ये होना चाहिए कि शिफा देने वाली ज़ात कौन है, शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह, शिफा देने ज़ात वाला को बाबा नहीं है, उनको मज़ार नहीं है कि जी ला इलाज हो गए तो फलां कब्र पे चले जाओ, फलां मज़ार पे चले जाओ, ये शिर्क है। वरना इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह देते ना कि मैं बीमार होता हूँ तो अपने दादा की कब्र पे चला जाता हूँ, मैं बीमार होता हूँ तो जनाब नूह अलैहिस्सलाम के मज़ार पे चले जाते, नहीं, फ़हुवा यशफ़ी, वो सेहत देता है मुझे। और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया इलाज के बारे में, आपने फरमाया कि जब तुम बीमार हो सबसे पहले तौबा करो, अल्लाह से इस्तग़फ़ार करो कि ऐ इलाही आलमीन मुझे माफ़ फरमा, ये जो बीमारी का इम्तहान उस पर आ गया, ये बीमारी मुझे तकलीफ आ गई, इसको दूर फरमा, बल्कि बुजुर्ग दुआ फरमाते हैं ऐ इलाही आलमीन इस बीमारी की नेमत को सेहत की नेमत से बदल, वो कहते हैं बीमारी भी अल्लाह की नेमतों में से एक नेमत है, इंसान को अपनी औकात का पता चलता है कि मेरी असल औकात क्या है। आपने कहा पहले इस्तग़फ़ार करो, उसके बाद सदका करो, और सदका के बाद तीसरे दर्जे पे है दवाई करो, दवाई को लेना सुन्नत है, ये कहना मैं दवाई नहीं लेता ये जायज़ नहीं, आप इलाज करें सुन्नत है, लेकिन सदका पहले दें। हमारा हम क्या करते हैं, इस्तग़फ़ार तो हमने कभी सोची नहीं कि हम तो बख्शे बख्शाए, हमें क्या जरूरत है इस्तग़फ़ार करने की, सदका हम नहीं देते, हम इलाज कराते हैं, जब डॉक्टर जवाब दे देता है कि आप इनके बचने का कोई नहीं, आप घर ले जाएंगे, फिर हम आके मल्ले वालों को पता चल जाता है, बकरा जब होकर कहता है आज हाजी साहब ने आप बचना नहीं है यार, उनके बकरा भी उन्होंने आज तो बकरा, वो भाई ये वकील का सदका है, इस सदके को जो इंसान मरते वक्त करता है ना, इसको वकील बनने का, वैसे देने को तैयार नहीं था, अब उसने आखिरी कड़ के तौर पर कहा कि यार सदका ही कर दो शायद बच जाऊँ, नहीं, ये सदका तो आपको करना था खुशहाली की आदत में, जब अल्लाह ने सेहत दी हुई थी उस वक़्त आप लोगों को खिलाते पिलाते, उस वक़्त आप अपने अहले महल्ला के अहले रिश्तेदारों का ख्याल करते, उनकी ज़रूरियात पूरी करते, तो अल्लाह ताला आपको बड़े हादसों से बचा लेते, सदका आई हुई मुसीबत को टाल देता है। आपने इस पर बड़ा जोर दिया, सहाबा इकराम को आपने तालीम दी, अपने घर वालों को बताया कि सदका कितना है, इतना अहम है कि आप घर तशरीफ ले आए और घर वालों से पूछा को खाने के लिए है, उन्हें कहा नहीं है, किसी के घर से गोश्त आया था हमने रख लिया कि आप तशरीफ लाएंगे तो आपको खिला दिया जाएगा, लेकिन जब वो उम्मुल मोमिनीन वो गोश्त उठाने के लिए गई थी उस जमाने में, आज भी हमारे पुराने घरों में दीवारों में ताक बने होते हैं, दीवार के अंदर उसके अंदर ताक सा निशान बना होता है जिसके अंदर प्लेट रख देते हैं ताकि नीचे को मिली शीली मुँह न डाले,
वो उठाने गई तो वहां उस बर्तन में पत्थर का टुकड़ा पड़ा था। ये हदीस शरीफ के अल्फाज हैं, ये कोई किस्सा कहानी नहीं, और वो आपके सामने पेश किया गया और कहा गया कि ये हमने तो गोश्त ही था और देखा लोगों का गोश्त है और आपके लिए रख दिया, लेकिन हैरान है कि पत्थर बन चुका। अल्लाह के रसूल सर ने एक सवाल किया, आपने कहा कोई सवाल ही क्यों नहीं आया था, कि हाँ एक सवाल ही आया था कि भूखा हूँ मुझे खाना खिलाई, तो हमने कह दिया कि कुछ नहीं आपने कर दिया, आपने जब कह दिया तो अल्लाह ने इसको पत्थर बना दिया, आपको सवाल ही को खिलाना था जो मुझसे पहले आया था, मुझे अल्लाह खिला दे। आपने उसने जिस बंदे ने आपको उस जमाने में झूठ कर रवायत तो था नहीं, उस जमाने में प्रोफेशनल सफारी बेकारी होते नहीं थे, कोई आदमी लाचार आपके घर आ गया कि मुझे खाना मैंने नहीं खाया, तो उसका मतलब है शायद 3 दिन से उसने खाना ना खाया, तो आपने कहा आपको फौरन खाना से पेश करना था। उन्होंने कहा हमने ये सोचा कि आपने भी कल से कुछ नहीं खाया हुआ, जब आप आएंगे तो हम खाना पे, आपने कहा नहीं, अल्लाह ने इसको पत्थर बना दिया। दरअसल आज गोश्त पत्थर नहीं बनता, आज गोश्त गोश्त ही रहता है, लेकिन उसके असरात पत्थर वाले होते हैं, कभी वो पत्थर पित्ते से निकलता है, कभी वो पत्थर गुर्दे से निकलता है। क्यों हम खुद हर जगह नहीं दे रहे, जब वो आता है मुस्तहिकाना कबूल की बात है, कुरान को ये हुक्म दे रहा है कि आप सवाली का इंतजार न कीजिए, आप लोगों को तलाश कीजिए जो चेहरे से सफेद पोश नजर आते हैं, जो आपके अजीज अकारब हैं, उनके घर में कुछ भी नहीं है, आप उनका इल्म करते हैं, आप उनकी जरूरियात पूरी कीजिए, तो आप क्यों बीमार होंगे, आप बीमारी नहीं होंगे। ये इलाज तो तीसरे दर्जे पे है, इसको हम पहले दर्जे पे ले आते हैं। और फिर अगली आयत जनाब इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयी, और मेरा रब ही मुझे मौत देगा और मुझे दोबारा उसके बाद जिंदा भी करेगा। मौत का इख्तियार किसको है? अल्लाह रब्बुल इज्जत, तो मुझे अल्लाह ही ने मौत देनी है, किसी के इख्तियार में मौत नहीं है। ये हम ऐसे ही डरते रहते हैं कि ये हो गया तो मर जाएंगे, तो मार देगा, कोई मार ही नहीं सकता यार। हजरत अली करमल्ला वली फरमाते हैं अल-मौतु वफा बिल हारसा, इंसान की हिफाजत के लिए मौत ही काफी है। क्यों? आपने कहा इसकी मौत तयशुदा अल्लाह ने लिखा हुआ है, कुरान हकीम में आता है कि हर बंदे को, तो मौत का फरिश्ता एक नहीं है, जो हमने खुद तमाम फरिश्तों को सरदार है, मलकुल मौत जिसको कहते हैं। असल जब बंदा दुनिया में आता है ना, अल्लाह एक फरिश्ता मुकर्र कर देते हैं, पहले दिन ही वो दुनिया में हम आते हैं साथ ही फरिश्ता आ जाता है। अल्लाह के लिए फरिश्ता बनाना मुश्किल नहीं है कि बंदा सोचे यार इतने फरिश्ते अल्लाह ने बनाए हुए हैं कि दुनिया की 24 अरब आबादी है तो 24 अरब ही फरिश्ते। ओए अल्लाह के बंदो, आज अमरूद का मौसम है, आप एक अमरूद ले लें और रख दें किसी खिड़की में, किसी डब्बे में डाल के रख दें, तो 15 दिन बाद अमरूद के अंदर कीड़े पैदा हो जाएंगे, अमरूद कीड़ों से भर जाएगा। आप गौर फरमाएं तो यार कीड़ा किधर से आ गया, हमने तो जनाब शीशे के डब्बे में रखा हुआ था, कीड़े का वहां नाम और निशान ही नहीं है, गोश्त वाला कीड़ा है, गोश्त पोश वाला उस अमरूद के अंदर पैदा हुआ, फिर अमरूद के रंग का ही है, बाहर निकालेंगे तो दौड़ता नजर आएगा, आप गिन नहीं सकेंगे उस कीड़ों को जो उसके अंदर पैदा हुए। अल्लाह ताला के नजदीक एक कीड़ा पैदा करना, इंसान पैदा करना, एक मच्छर पैदा करना, एक फरिश्ता पैदा करना बराबर ही, अल्लाह ताला ने तो हाथ से बना, अल्लाह ताला तो फरमा रहे हैं कि मैं क्या करता हूँ, कौन हो जा फयकून, वही हो जाता है जो रब्बे जलाल एक निज़ाम के तहत बगैर किसी अंडे के, बगैर किसी जरसूने के, उस अमरूद के अंदर कीड़े पैदा कर रहा है, तो उसको फरिश्ते बनाने के लिए क्या मसला है? अल्लाह ताला के लिए कोई मसला नहीं, वो फरिश्ता आता है, उस फरिश्ते के पास आपकी सारी बायोग्राफी लिखी होती है, किसने ये करना है, ये खाना है, ये पीना है, यहाँ जाना है, किसने जिस तरह मरना है। जब एक गोली आपकी तरफ आती है, फरिश्ता उस गोली को रोक लेता कि नहीं, इसकी मौत गोली से नहीं है, इसने अपने घर पानी पीते हुए फौत होना, वो पानी पीते हुए फौत हो। अगर किसी की जिंदगी आप गौर करें तो वो कह कर, मैं तो 10 दफ़ा मरते बचा, हम रोजाना घर से यहाँ तक आते हैं, 50 गाड़ी ओवरटेक करती हैं, कोई 6 इंच के फासले से गुजर रहा है, कोई 1 फुट से फासले से गुजर रहा है, और कितने लोग हैं जो उस दौरान नीचे भी आ जाते हैं, हम नहीं आए अभी तक, तो उसका क्या मतलब है हम ज्यादा स्मार्ट हैं कि यहाँ बच के आ गए? नहीं, अभी हमारा हुक्म ही नहीं आया, अभी हमारा अमर आया नहीं, जिस दिन आ जाएगा फिर आने के लिए किसी गाड़ी अड्डे सड़क पे आने की जरूरत नहीं है। पिछले दिनों एक गाड़ी आई और एक घर के अंदर जा घुसी,
ड्राइवर से गाड़ी में काबू हुई, उसने घर की फ्रंट दीवार तोड़ी और अंदर जाकर घर के अंदर जो लोग बैठे खाना खा उनमें से पल्ला मार दिया। अल्लाह ताला बता रहा है कि भाई आप क्या समझते हैं, जब आपकी मौत लिखी हुई है ना गाड़ी से, तो गाड़ी आपके घर के अंदर आपको आके मार जाएगी, यहाँ रास्ता ही कोई नहीं है। हम बड़े आराम से पंखा चलाते हैं और शॉट लग जाता है, बंदा फौत हो जाता है, हालांकि वो पंखा तो हम भी 10 साल से चला रहे हैं, इस्त्री कर रहे होते हैं, इस्त्री रोजाना करते हैं, लेकिन एक दिन वो इस्त्री शॉट कर जाती है, मौत वाक्य हो जाती है। तो आप अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इस मौत से मफर नहीं है, ये मैंने तय की हुई है, इससे पहले आ ही नहीं सकती और इसको आप टाल भी नहीं सकते। आप कहेंगे मैं टाल दूँ, अमरीका का मैं सदर हूँ, जान एफ कैनेडी मेरा नाम है, मेरे आगे भी 50 गाड़ियाँ, पीछे भी 50 गाड़ियाँ, तमाम बिल्डिंग के ऊपर गार्ड्स खड़े हुए हैं, उस दौरान भी एक बंदा उसको गोली मार देता है, उसको गोली लग जाती है, चलती गाड़ी में, और जब तक उसके माल पहुँचा मर जाता है। वो कहते हैं यार इसके हमें यही है कि सदर हमारा मार गए, हमें तो इस पर आ रहा है कि दुनिया क्या कहेगी यार, यही इनकी हालत है कि इतनी बड़ी फौजी ताकत, इतना बड़ा निजाम और चलती गाड़ी में बंदा मार के चला गया, और हम ये भी नहीं उस खुद को पकड़ के लाए थे, उसको किसी और ने गोली मारने का हमें ये भी नहीं पता चला कि उसको किसने मरवाया। ये है वो निजाम। अल्लाह कह रहे हैं हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इसका इशारा दे रहे हैं कि आप क्यों डरते हो मरते हो भाई, मुझे मेरे रब ने मौत देनी है। क्यों वो फरमा रहे हैं कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को तो आग में फेंक दिया गया और आग में फेंकने के लिए उनको समझ नहीं आई, बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाई, आग जलाए फेंके किस तरह, क्योंकि जो पास भी जाता था वो भी झुलस जाता था उस आग से, तो उसके लिए फिर बहुत बड़ी एक लकड़ी की तोप बनाई गई, मंजनीक जिसको कहते हैं, अरब बनाते थे, बहुत बड़ी होती है, उसके अंदर बड़े बड़े पत्थर रखे, उन्होंने वो बनाई, उसके अंदर बिठाया और उसके जरिए चला के उसके अंदर उनको फेंका। लेकिन जब आप उसके अंदर गिरे, अल्लाह ने उसको को धूम दिया, कूनू कूनू बरदम सलाम, आए आप ठंडी हो जाओ, लेकिन ऐसी भी ठंडी नहीं कि ठंड लग जाए, सलामती वाली ठंडी हो जाओ। आपकी रस्सियां जल गई जो हाथ पांव बंधे हुए थे, लेकिन आपके जिस्म मुबारक को तो कुछ भी नहीं। अल्लाह ताला बता रहा है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम को फिर ईमान किस दर्जे का होगा, जो कह रहे हैं अल्लाह ही मौत देता है, उन्हें पता है कि यार दुनिया जहान की आग उन्हें जला ली, मेरा तो एक बाल भी नहीं जला सका। यही ईमान हमारा होना चाहिए कि जब अल्लाह का हुक्म नहीं आएगा हमें कोई मार ही नहीं सकता भाई, हमारा कोई नुकसान कर ही नहीं सकता। अल्लाह को अगर अल्लाह के अमर से है तो अल्हम्दुलिल्लाह, हम उसके लिए राजी हैं, हम उसके लिए तैयार हैं, क्योंकि अल्लाह का हुक्म आ गया तो वो तो हमने मान नहीं माना। ये तो नहीं हो सकता अजान आए और हम आराम से बैठे रहें कि चलो यार अजान हो गई, नहीं, जब अजान आए तो आप आएंगे, इसी जब मौत का बुलावा आएगा आपका अल्हम्दुलिल्लाह, मोमन के लिए तो बड़ा खुशी का दिन है, आज अल्लाह रब्बुल इज्जत से जाके मिलेगा, दुनिया की सारी मशक्कत परेशानी उसकी खत्म होगी, आप उसको मुकम्मल आराम है अगर वो साहिब ईमान है। तो वो कहते हैं कि वो जिंदा करेगा, वल्लज़ी अत्मौ अन यग़फिर ली, और मुझे अपने रब से उम्मीद है कि मेरी मग़फ़िरत करेगा। ये बात याद रखना, इब्राहिम अलैहिस्सलाम हैं ये जिनका खिताब है अबुल अंबिया, जितने अंबिया अलैहिस्सलाम दुनिया में तशरीफ लाए इब्राहिम अलैहिस्सलाम से लेके जनाब रसूल मुबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, वो सारे इब्राहिम अलैहिस्सलाम की औलाद में से, ये एजाज है उनका, इसलिए उनको अबुल इब्राहिम कहते हैं। अल्लाह फरमाते हैं हमने इनको इमाम उन्नास बनाया, लोगों का इंसानों का इमाम, जिसका नतीजा क्या निकला, यहूदी भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम का नाम अदब से लेते हैं, वो कहते हैं ये बड़े अजीम पैगंबर हैं। ईसाई भी उनका नाम बड़े अदब से लेते हैं, कहते हैं ये बड़े अजीम पैगंबर हैं। बाकी जनाब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को न यहूदी नबी मानते हैं न ईसाई नबी मानते हैं, यहूदी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को भी नबी नहीं मानते, लेकिन एक ही अंबिया में से एक ही शख्सियत है, एक ही हस्ती है, वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जिनको तमाम मजहब नबी मानते हैं, इमाम मानते हैं। और जनाब रसूल मुबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उनका इतना इकराम है, उनका इतना अल्लाह के यहाँ मकाम है कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम पहले फर्द होंगे मैदान हशर में, जिनको अल्लाह की तरफ से शाही लिबास पहनाया जाएगा, पहले फर्द होंगे वो लिबास पहनेंगे, अबुल इब्राहिम मेरे अभी इब्राहिम को पहनाया जाएगा। और आप मैं कौन हूँ, आपने फरमाया मैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम हूँ, इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मांगा। वो ये नहीं कहते कि अल्लाह मुझे बख्श देगा, मैं तो बख्शा बख्शाया, आज हमारा तो अकीदा ये है कि हम तो भाई सीधे जनती हैं ना, ये इब्राहिम अलैहिस्सलाम कह रहे हैं। वो क्या कहते हैं, वल्लज़ी अत्मौ, मैं उम्मीद करता हूँ, मुझे इसकी ख्वाहिश है, मुझे अत्मा तो तमा को कहते हैं, मुझे इस बात का लालच है यग़फ़िर ली कि मेरा रब मेरी मग़फ़िरत कर दे,
ये होनी चाहिए बंदे को, उम्मीद अल्लाह से होनी चाहिए कि अल्लाह आलमीन आप हमारी मफ़रत फरमाया, और हमें उम्मीद अल्लाह हमारी मफ़रत करेगा। जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान को दो चीज़ें होनी चाहिए, एक खौफ हो कि पता नहीं यार मैं पकड़ा ही ना जाऊँ, वो अमाल भी ऐसे नहीं है, दूसरा उम्मीद भी हो कि अल्लाह करे को उम्मीद माफ़ हो जाएंगी। तो आपने फरमाया अल ईमान व बैन रजा अल खौफ, ईमान खौफ और उम्मीद के दरमियान वाली चीज़ का नाम है। ये नहीं कि मैं कहूँ जी हमें तो किसी ने पूछना ही नहीं है, हम तो जनाब फलां कब्रिस्तान में दफन हो जाएंगे और उसके बारे में बुजुर्गों ने बताया हुआ कि फलां जो बुजुर्ग हैं ना उनके मज़ार के साथ जितने कब्रिस्तान हैं वहाँ फरिश्ते का दाखला ही बंद है, ये अकीदा है लोगों का, फलां जगह हमें दफन करें कि जी वहाँ फरिश्ता नहीं, फरिश्ता गलती से चला गया था हजरत के पास कि जी आप मन रब्बों का तुमने थप्पड़ मार के भगा दी, उन्हें आइंदा इस कब्रिस्तान के दूध में नहीं है, आज तक भी वहाँ फरिश्ता गिरी नहीं। भाई ये बात साहबा इकराम को तो नहीं बताई, हजरत उमर की कब्र में अगर फरिश्ता जा सकता है, ये किसने बताया कि उनकी कब्र में फरिश्ता गया था? जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिंदगी में बता दिया, ऐ उमर उस वक़्त तुम्हारी क्या कैफियत होगी जब फरिश्ता उनकर नकीर तुम्हारी कब्र में दाखिल होंगे, और कैसे दाखिल होंगे? अपने दांतों से तेरी कब्र को तोड़ते हुए अंदर दाखिल हो जाएंगे, उनके बड़े बड़े दांत होंगे उनकर नकीर के, वो दांत ऐसे मारेंगे कि पूरी कब्र का रास्ता टूट जाएगा, दर्शन जो हमें नहीं नजर आता वो दाखिल हो जाएंगे। आपने हज़रत उमर ने पूछा कि अल्लाह के रसूल सल्लम उस वक़्त मैं इसी ईमान और इसी होश में हूँगा? आपने कहा उस वक़्त तुम्हारे होश सलामत होंगे। आपने कहा फिर हमें जवाब दे, वो उमर जवाब दे सकते थे। भाई क्यों जवाब दे सकते थे? हज़रत उमर आधी दुनिया के हुक्मरान थे, कितनी जी आधी दुनिया, पूरा अफ्रीका भी 22 मुल्क है वहाँ पर वो सारे उनके मातहत थे, ईरान इराक भी उनके अंदर थे, बाले गनीमत भी आता था वो सारा तकसीम होता था, लेकिन आपके जिस्म के जो लिबास था उस पर 14 कमंद लगी हुई थी, 13 तो कपड़े के थे, 14वें के लिए घर से कपड़ा नहीं मिला, एक पुराना चमड़े का टुकड़ा मिल गया मशीन का, उसी को लगा दिया उसके ऊपर, किसी ने कहा हजरत ये तो मैच ही नहीं खाता, आपने कहा यार तुम फटी हुई कमीज है तुम लगाओ, मैच की जरूरत है, मुझे कपड़ा अपनी कमीज बचानी है। तो जिस हुक्मरान के 14 पैबंद लगे हुए हों वो तो कह सकता है कि भाई मैं होश में हूँ तो मैं जवाब दे दूंगा, मैं तो लाज कुछ नहीं रहूंगा कि ईरान के बादशाह ने खुशबू भेजी, उस जमाने में खुशबू आती थी कस्तूरी जिसको तोड़ के तकसीम करते थे, वो काफी सारी थी, आपने कहा इसको तकसीम करना है, तो आपकी एरिया ने कहा कि आप मुझे इजाजत दीजिए मैं तकसीम कर देती हूँ, छोटी छोटी टिकियां बना देती हूँ। आपने फरमाया नहीं, खुशबू का फायदा तो ये है कि हाथों को लगाई जाती है, फिर हाथें हम जिस्म पे लगा लेते हैं, जब तुम बांटोगी तो सबसे ज्यादा तक तुम ही लग जाएगी, इसलिए मैं किसी और को बुलाऊंगा वो बांटेगा, मैं नहीं चाहता लोग कहें कि यार अमीर उलमोमिनीन की अहलिया ने जनाब कितनी खुशबू तो अपने कपड़ों पर लगा ली, आप कहा से लगाए ये तक ये वो कह सकते हैं, वरना हुसलम उनको कह देते हैं अमर तेरी कब्र के पास फरिश्ता भी नहीं गुजरे, आपने कहा वो तोड़ता हुआ आएगा तो उसने आने की दर्शे, और वही सलामत रहेगा जो साहिब ईमान होगा। और जनाब रसूलुल्लाह ने फरमाया कि कैसे, आपने फरमाया जैसे ही वो आएगा उसी वक्त एक खूबसूरत नौजवान उस कब्र में कहीं से निकल आएगा, जैसे फरिश्ता एक और नौजवान आ जाएगा, और ये बंदा हड़बड़ा कर उठेगा जैसे आप सोए हुए और आपके कमरे में घर वाला ही दाखिल हो जाए, दरवाजा जोर से खड़पा के, तो आप एकदम परेशान हो जाएंगे यार क्या हुआ, हम अपने घर के अंदर दरवाजे तोड़ के तो नहीं जाते, धक्के दे के तो नहीं जाते, आराम से दरवाजा खोलते हैं, जब खसूसन को बंदा सोए हुआ। तो आपने फरमाया जैसे ही वो दाखिल होगा ये जो मैयत है ना जो सोया हुआ है उठ बैठेगा फौरन, एक दफा उस पर एक आसार मरतब हो जाएंगे यार ये कौन आ गया, और फिर उसी दमे एक नौजवान उस कब्र में नमूदार होगा और वो उधर को रोक देगा कि आप उधर ठहरिए रुक जाइए, वो रुक जाएंगे फौरन उस नौजवान को देख के, अब वो सवाल करेंगे, वो कहेगा सवाल भी वहीं से खड़े होकर करें, वो सवाल करेगा और ये नौजवान इसको कहेगा कि ये जवाब दें आप, हर सवाल का जवाब वो बताएगा और ये जवाब देंगे, जब सवालों जवाब हो जाएंगे फरिश्ते चले जाएंगे, अब ये नौजवान कहेगा कि आप अभी आराम करो मैं सो जाऊँ
मैं इधर ही, मैं आपकी कब्र में, मैं आपके साथ रहूंगा, आप आराम करें सो जाइए। उसको फिर डर होता है, अच्छा आप इधर ही रहेंगे, कहे मैं रोजे हशर तक आपकी कब्र में मुकीम हूँ, जब मैदान हशर बर्पा होगा मैं आपको हाथ से पकड़ कर जगाऊंगा, फिर मैं आपको हाथ से पकड़ के बाहर ले आऊंगा कब्र से, फिर मैं आपको मैदान हशर की तरफ ले जाऊंगा। मैदान हशर की तस्वीर ये खैंसी जनाब रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि उसके अंदर बड़ी गहरी खाइयाँ और घाटियाँ होंगी, लोग जाएंगे और जब गिरेंगे तो कई कई सालों तक गिरते ही चले जाएंगे, और उनके आगे जो साहिब ईमान होंगे उनके दाएं तरफ भी यसा बैन अयदी हैं कि उनके दाएं तरफ भी और आगे भी नूर दौड़ रहा होगा, उसकी रोशनी में वो चलेंगे, उनको हर चीज नजर आ रही होगी। और जो बिल्कुल कमजोर ईमान वाले होंगे उनका नूर उनके नाखूनों पर होगा, जितने ये नाखून होते हैं, कभी जलेगा और कभी बुझेगा। वो दुआ मांगेंगे, कुरान हकीम ने दुआ ही है, वो कहेंगे रब्बना अतमिमलना नूरना, अल्लाह ताला आज हमारे नूर को मुकम्मल कर दे, आज मेहरबानी फरमा बुझने न देना। जैसे आप घर में हो, मेहमान आए तो बिजली चली जाए तो आप कहते हैं यार 5-10 मिनट के लिए आ जाए, कम अज़ कम खाना तो हम खिला देंगे, उस वक्त वो कहेंगे रब्बना अतमिमलना नूरना, अल्लाह ताला हमारा नूर मुकम्मल कर दे, क्योंकि मैं 2 कदम तो चलता हूँ फिर नूर बन जाता है, क्योंकि हम तो सारा दिन कभी साहब हालत ईमान में होते हैं, कभी हालत कुफर में चले जाते हैं, कभी हालत नफाक में रहते हैं, तो नूर भी इसी तरह का मिलेगा ना। तो दुआ मांगेंगे वहां पर, दुआ भी वो मांगेगा जिसको दुआ याद होगी, तो वो बंदा उससे पूछेगा, फिर वो कहेगा भाई मैं आपके साथ हूं, वो पूछेगा आप हैं कौन जनाब, वो तो फरिश्ते थे सुना हुआ था बोलकर नकीर आएंगे। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो कहेगा कि मैं वो तुम्हारा कुरान पाक हूँ जिसकी सुबह और शाम तुम तिलावत किया करते हो, आना अल-लैल वन-नहार, जिसकी तुम सुबह और शाम तिलावत किया करते थे, जिसके हलाल को तुमने हलाल जाना और जिसके हराम को तुमने हराम समझा, और आज अल्लाह ताला ने मुझे मुजस्सम इंसान की सूरत में तेरे साथ हमराह कर दिया, मैं तुम्हारा वो दोस्त हूँ जो तेरे साथ रहूँगा। ये हदीस शरीफ के अल्फाज हैं, और मैं तुम्हें वहाँ भी नहीं छोड़ूंगा मैदान हशर के इख्तिताम पर, मैं तुम्हारे नामाए माल के मीज़ान के वक्त मौजूद रहूँगा, और अगर तेरे मीज़ान में कुछ कमी हुई तो मैं खुद जाकर तेरे मीज़ान में बैठ जाऊँगा, मुझे अल्लाह नहीं उठाएंगे कि भाई आप किधर बैठ गए, और जब मैं बैठ जाऊँगा तो वो तेरा नामा माल का जो पलड़ा है झुक जाएगा, फिर मैं वहाँ भी तुम्हें नहीं खुदा हाफिज़ कहूँगा, मैं तुम्हें फिर वहाँ से पकड़ूंगा, मैं कोई सरात पर तेरे साथ चलूँगा, मैं वहाँ भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें फिर जन्नत के दरवाजे पर छोड़ाऊंगा कि भाई ये अब तेरा मकाम है, अब मेरी तरफ से खुदा हाफिज़। ये है वो कुरान पाक जिसके बारे में हुक्म है कि आप सुबह शाम उसकी तिलावत कीजिए, उसको समझिए, उसको हलाल और उसके हलाल और हराम को जानिए, और अल्लाह ताला फरमाते हैं अगर कुरान पाक की तिलावत करेंगे लज़्ज़दादू ईमान ईमान, अल्लाह आपके ईमान में इजाफा कर देंगे, और जब ईमान में इजाफा होगा तो आपके मामलात खुद ब खुद सीधे हो जाएंगे। जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह गारंटी दे दी है कि आपका कुरान आपकी कब्र में आपके साथ होगा, फिर भी अगर हम न पढ़ें न समझें न उनकी हलाल और हराम पर अमल करें तो फिर इससे बड़ी बदकिस्मती क्या। आज हम दुनिया में आ चुके हैं भाई, पीछे वापसी तो हो नहीं सकती, अब हमने आगे ही जाना है, आगे हमने जाना है कब्र की तरफ हमने जाना है, उसके लिए भी कोई टाइम फ्रेम नहीं है कि मैं कहूँ जब तक मेरे पोतों की शादियां नहीं होंगी मैंने नहीं मरना, ये नहीं। चाहे अल्लाह फरमाते हैं वो तो तयशुदा है, कुछ बचपन में चले जाएंगे, कुछ जवानी में चले जाएंगे, कुछ बुढ़ापा आ जाएगा उनके सामने उनकी औलाद चली जाएगी लेकिन वो ना जा सकेंगे, ये तो अल्लाह ने अपना एक निज़ाम बनाया हुआ है। तो आपने फरमाया अल ईमान उबैद रिजाए अल खौफ, ईमान तो खौफ और उम्मीद की हालत के दरमियान का नाम है, और सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला ने जिनको हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में बशारत दी, अल उम्र फिल जन्नत, 10 आदमियों को आपने बशारत दी कि ये जन्नत में जाएंगे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला ने इस बात की रवायत बयान फरमाते हैं कि हम 3 सहाबी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक पहाड़ पर मौजूद थे और पहाड़ डरने लग गया, आपने अपने पाँव की ठोकर से पहाड़ को रोका और कहा कि तुम्हें पता नहीं इस वक्त एक नबी, एक सिद्दीक और 2 शहीद तुम्हारे ऊपर खड़े हुए। वो कहने लगे उमर तो शहीद हो गए, अभी मैं बाकी और मैं भी शहीद हूँ।
सहाबा को तो इस तरह ही मानता नबी सल्लम की बातों पर। हजरत उमर को शहादत नसीब हुई और फिर मदीना तैयबा में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोज़ अनवर में तदफीन हुई। इससे बड़ी क्या शहादत है, हर हाजी वहाँ जाता है और वहाँ सलाम पढ़ता जाता है। पहले हजूर सल्लम के रोज़ अनवर पे सलाम पढ़ता है, फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक और फिर हजरत उमर की कब्र मुबारक पर सलाम पढ़ता है। कितना बड़ा अल्लाह ने अरेंजमेंट कर दिया उनके लिए। लेकिन वो ये कहते हैं अगर ये मुझे पता चल जाए कि एक आदमी जहन्नम में जाएगा तो मुझे खतरा है कि वो मैं ही ना हूँ, क्योंकि मैं इतनी बड़ी रियासत का मालिक था, हो सकता है कहीं कोताही हो गई हो किसी दरिया के ऊपर। दरिया बड़े ऊंचे होते हैं, हमने तो दरिया देखे नहीं ना आप लोगों ने, दरिया बड़े ऊंचे होते हैं, पानी नीचे बह रहा होता है, आपको जगह तलाश करनी पड़ती है कि नीचे जाके पानी पिए। आपने तो हो सकता है, और घूमते हैं उस जमाने में दरियाओं के किनारे बनवाया करती थी, नीचे सीढ़ियाँ जाती थी ताकि लोग ढलवानों से नीचे जाएं और पानी लेकर आएं, जानवर पीने जाते थे। आप फरमाते हैं हो सकता है कि बकरी दरिया फरात के किनारे जो इराक में है पानी पीने गई हो और वहाँ रास्ता ना बना हो और पीते हुए कहीं ऊपर से गिर गई और मर गई हो, तो उमर से पूछा जाएगा कि बकरी कैसे मरी, इतनी बड़ी सल्तनत थी तुझे नहीं पता था वहाँ दरियाओं के किनारे क्या बनवाना होता है, तुम इतने बड़े बादशाह। कहता था वो एक बकरी मेरे लिए फिर काफ़ी होगी। लेकिन फिर वो फरमाते हैं कि अगर ये मुझे पता चला कि एक आदमी जन्नत में चला जाएगा तो मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है कि अल्लाह ताला को शायद नहीं, अल्लाह ताला मुझे कहेंगे तुम ही चले जाए। यानी अल्लाह से इस हद तक उम्मीद थी, लेकिन अपने आमाल की वजह से इस हद तक खौफ था। और इसी का नाम ईमान है कि हमें अल्लाह ताला ईमान और खौफ को उम्मीद अता फरमाए। और फिर वो आगे फरमाते हैं यग़फिर ली ख़तीअति यौमद्दीन, कि मेरा रब मेरी खताओं को क़यामत वाले दिन माफ़ करेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कसर से इस्तग़फ़ार किया करो, मैं दिन में 70 दफ़ा इस्तग़फ़ार करता हूँ। कौन फरमा रहा है? इमामुल अंबिया, जो शाफ़े महशर होंगे, जो लोगों की शफात फरमाएंगे ना क़यामत वाले दिन, वो कह रहे हैं कि मैं तो 70 दफ़ा दिन में इस्तग़फ़ार पढ़ता हूँ। आप देखें हमने तो इस्तग़फ़ार पढ़ने का वक्त ही नहीं मिलता, हम तो इतने नेक कामों में मसरूफ़ हैं, हम कहते हैं हमें क्या जरूरत है इस्तग़फ़ार पढ़े, इस्तग़फ़ार को नादान पढ़े। अल्लाह के रसूल सल्लम फरमा रहे हैं कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ो, कोई पता नहीं मैंने कौन सी बात किस वक्त कह दी हो, किसके बारे में क्या सोच लियो, किसके साथ क्या ज़्यादती कर ली, क्या कुछ ना कर लिया। तो आपने फरमाया क्यों आप हर वक्त इस फिक्र में रहते थे कि इस्तग़फ़ार पढ़ी जाए कि भाई ये काम ऐसे करना था ऐसे क्यों किया, इसको और बेहतर भी तो किया जा सकता था। तो आपने इसलिए फरमाया बस जब आदमी कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसको गुनाहों से पाक कर देते हैं, उसको फिर खैर के काम करने आसान हो जाते हैं, अल्लाह उसे नेकी के काम लेते हैं। तौफीक तो अल्लाह ने देनी, आप और मेरे पास तो तौफीक है नहीं, तौफीक तो वमा तौफीक ही इल्ला बिल्ला। फिर वो फरमाते हैं रब्बे हबली हुक्मम वल हिकमी बिस्सालिहीन, ऐ मेरे रब मुझे दानाई अता फरमा, वल हिकमी बिस्सालिहीन और नेक लोगों के साथ मिलाए रखा। ये बड़ी अहम दुआ है कि ऐ इलाही आलमीन मुझे दानाई और हिकमत अता फरमा ताकि मुझे पता हो कौन सी बात कहाँ पे करनी है और कौन सी बात नहीं करनी है। दानाई इसी का नाम है कि कई बंदे हैं उनको ये भी नहीं पता यार, किसी मौके पे गलत बात जाकर कर देंगे, अच्छी बड़ी बात बनी होगी बिगाड़ देंगे जाकर। आपने अल्लाह से मदद मांगी है ऐ आलमीन मुझे दानाई अता फरमा ताकि मुझे पता हो कौन सा काम करना है कौन सा नहीं करना, किस काम को किस तरीके से करना है, कौन सी बात कहनी है कौन सी नहीं कहनी है। और आखिरी बात यह है आज की दरसी वाले हिकनी बिस्सालिहीन मुझे नेक लोगों के साथ मिलाए रखना। वो आपको क्या जरूरत थी ये दुआ मांगने की? अल्लाह के नबी हैं, उनकी अहलिया हजरत हाजरा, उन्होंने 7 चक्कर लगाए, अल्लाह ने क्यामत तक के लिए लाजम कर दिया कि सही मरला हर बंदा करेगा। हजरत सारा जो पहली आई अल्लाह ने उनमें से हजरत साहब जैसे नबी अता की, कुरान में अल्लाह ने जिक्र किया, अल्लाह ने कहा सलाम हो उस खातून पर, अल्लाह ने पहली दफ़ा अल्फाज इस्तेमाल किया सलाम अहले बैत, ऐ इब्राहिम के अहले बैत तुम पर सलामती होगी। कितना बड़ा खानदान है, वो कह रहा है लेकिन सारी कि मुझे नेक लोगों के साथ मिलाए रखें, पूरा खानदान ही नेक है। क्यों? ये जो नेक और अच्छे लोग हैं ना उस वो कमरी बड़ी है, मैं अगर आपकी कमरी ठीक नहीं हुई तो आप नेक अमाल से ही जाते रहेंगे, नमाजों से ही जाते रहेंगे और आपकी नीयत भी खराब हो जाएगी। तो जिंदगी में हुक्म यह है कि आप नेक लोगों में बैठिए। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे पैगंबर ये दुआ मांग रहे हैं कि ऐ आलमीन मुझे नेक लोगों से मिलाए रखना, तो हम क्यों ना नेक लोगों के साथ बैठे और बुरे लोगों से इतना करें।
बजाय कि हर किस्म की कंपनी में बैठे हुए, अगर हर किस्म की कंपनी में बैठेंगे तो इस वाक्य पे बात खत्म करूंगा। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह का दौर था, उनको पता चला कि फलां शाहराह है उसके 8-10 नौजवान बैठे हुए जनाब वो नाश्ता कर रहे हैं, रमजान मुबारक के दिन है। उनके कोतवाल को इतला मिली कि भाई बंदा गुजरा, उसने नहीं बोला तो वह सड़क में बैठ के खाना खा रहा। वो फौरन कोतवाल पहुंचे, उसने सबको पकड़ लिया, कहते यार तुम्हें शर्म नहीं आती कि रमजान मुबारक का महीना, तुम ठीक है रोजा नहीं रखो तो घर में बैठ के खाओ। तो जो जो खा रहा है तो उसने, एक बंदा रहता है उसने कहा जी मैं जी रोजा था लेकिन ये मेरे दोस्त हैं, मैं वैसे ही इनके साथ आया हुआ था तो मैं कुछ नहीं खा रहा था। उन्होंने कहा तुम्हें भी 10 पौड़े ही मिले कि तू खबीस आदमी, तू पहले या तो इन्हें रोकता कि शर्म करो, जो बाज नहीं आते उठ जाता कि मैं नहीं बैठता तुम्हारे साथ, तो मैं इकराम रमजान ही नहीं कर। तो ये बताया जा रहा है कि आप मुजरम से या तो अलहदा हो, या तो से रोकें या अलहदा हो जाए। अगर आप उसमें बैठे हुए हैं तो फिर आप भी मुजरम हैं, फिर जो लानत उन पर पड़ रही है वो आपको भी हिस्सा मिलेगा। और कुरान का हुक्म है कि किसी जगह अल्लाह उसके रसूल का उसके दीन का मजाक उड़ाया जा रहा है, कुरान कहता है वहां मत बैठिए, वहां से उठ जाइए। हाँ अगर आप अपने काम के लिए वहां गए हुए हैं तो उस वक्त तक वहां ना बैठिए जब तक वो इन बातों में मशगूल है। हाँ जब वो उन काम को तरफ कर दें फिर दोबारा आप जा सकते हैं। क्यों? आप कम अज कम थोड़ी नफरत का तो इजहार करें। उधर बैठ के हाँ हूं ना मिलाते रहे मुनाफिकों की तरह के सर हिला रहे हैं, अगर ठीक है जी हम आए जी हुए काम के लिए, जो मर्जी बकवास करें ना, उठ जाइए वहां से। उनको एहसास दिलाइए कि आप गलत काम कर रहे हैं, मैं आपका शरीक जुर्म नहीं हो सकता, कम अज कम डिफरेंस होना चाहिए। तो भाई आखिरी बात यह है कि हफ्ते में भाई एक दिन जुमा होता है जिस दिन हम कुरान पाक पढ़ते हैं, कम अज कम आप वक्त पर तशरीफ लाइए। अगर मैं अपनी सारी मसरूफियात छोड़ के एक वक्त मुकर्रर पर आता हूँ, आप भी बड़े मसरूफ हैं तो कम अज कम उस वक्त मुकर्रर पर आपको आना चाहिए। मैं जब भी आता हूँ तो 3 से 5 नमाज होते हैं मस्जिद में, आज रात में 5 थे। तो आज मैंने सोचा मैं आपको बताऊं कि ये बेइकरामी है इस किताबुल्लाह की, आपको तो इससे पहले होना चाहिए मस्जिद में। यानी एक महीने में 40 मिनट भी हम नहीं दे सकते या एक घंटा भी हम नहीं दे सकते किताबुल्लाह, और तुम्हारा कोई मकसद ही नहीं है इकट्ठा होने का। सिर्फ यही मकसद है कि अल्लाह उसके रसूल का हुक्म है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जब अज़ान हो जाए तो मस्जिद की तरफ आओ, तो जब वक्त हो गया तो आप आ जाइए, बजाय कि आप बैठे रहें। आप इसी को कुर्बानी कहते हैं, उसकी इब्तिदा तो चंद मिनटों से होती है ना, कि आप तय करें कि यार आज जुम्मे हमें वक्त पे जाना चाहिए, वक्त पे आएंगे। लेकिन अगर एक बंदा अपना सारे काम मुका ले और कहे या फारग हो गए तो चले जाएंगे, तो जुम्मा तो उसको फर्ज तो उसका अदा हो जाएगा, लेकिन कुरान हकीम की उस मार्फत से महरूम रहे। तो अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला हमें इस किताबुल्लाह का हक अदा करने की तौफीक दे। वाकुल दावा।